नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इस समय डेंगू और बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं, तो कई लोग डेंगू बुखार से अपनी जान गंवा चुके हैं। बिजनौर में भी बुखार ने अपने पैर पसार रखे हैं, तो डेंगू का भी थोड़ा बहुत असर जनपद में देखने को मिल रहा है। डेंगू को लेकर बिजनौर के ज़िला अस्पताल में डेडिकेटेड मिनी डेंगू हॉस्पिटल बनाया गया है। डेडिकेटेड मिनी डेंगू हॉस्पिटल में 36 बेड की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि सीएमएस अरुण पांडे द्वारा डेंगू हॉस्पिटल के लिए 2 नोडल भी नियुक्त किए गए हैं। बिजनौर जिला अस्पताल में बने मिनी डेंगू हॉस्पिटल में फिलहाल 2 सस्पेक्टेड डेंगू के मरीज भर्ती हैं। वहीं अन्य वार्डों में बुखार से कई मरीज पीड़ित हैं, जिनका अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपचार किया जा रहा है। उधर जिला अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि उनके द्वारा ज़िला अस्पताल में डेडिकेटेड मिनी डेंगू हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें 36 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सभी बेड्स को मच्छरदानियों से कवर किया गया है। साथ ही नियुक्त किए गए दोनों नोडल अधिकारी डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे हैं और अन्य स्वास्थ्य कर्मी 3 शिफ्टों में लगातार उनकी देखभाल कर रहे हैं। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता तुषार वर्मा, बिजनौर। बिजनौर में बुखार और डेंगू को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल में, कितने मरीज हैं? व्यवस्थाएं बिस्तर के हिसाब से तो पर्याप्त है। 36 बिस्तर बनाया हुआ है डेंगू के लिए और स्टाफ का रोस्टर है बाकायदा, सब स्टाफ की ड्यूटी लगी है बाकायदा तीनों शिफ्ट में। दूसरा आईवी फ्लूइड का होता है, वो पूरी व्यवस्था है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। इसमें कोई खास दवा तो चलती नहीं, सिम्टोमेटिक होता है फ्लूइड और ओआरएस की ज़रूरत होती है, वो पर्याप्त मात्रा में प्लस बुखार के लिए होता है, तो वो सब पर्याप्त मात्रा में पहले से ही है। डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बना दिया गया, जिसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल करके मैंने बना दिया है। डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल जिसमें कि 36 बिस्तर हैं। 2 चिकित्सक हैं, डॉक्टर राधेश्याम वर्मा फिजिशियन, वो इसके नोडल हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पीडियाट्रिशियन सेकेंड नोडल है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।